नमस्ते, आज हम पाठ दूसरा पढ़ेंगे जिसमें हम सा रे ग म प ध नी ये सातों सुरों का इसमें से कैसे आवाज़ निकलता है वो बताऊंगा आपको। तो पहले तो हमने पाठ सीख लिया कि इसमें से ब्लो करना है और आवाज़ निकालना है, लेकिन ये क्या हो गया, ये तीव्र म हो गया, ये नहीं बजाना बजाने का होता है। पहले जैसे कि हम आप समझो कि लेफ्टी हो तो आप मेरे जैसी पकड़े बांसुरी, और आप अगर राइटी हो तो इस बाजू में पकड़े इस प्रकार से ढंग से, और ये अंगूठा है ये यहाँ ऊपर आना चाहिए, और ये उंगलियाँ हैं ये बीचों बीच होल के ऊपर रखनी चाहिए इस प्रकार से, या तो फिर ये इस बाजू में लेके ये अंगूठा ऊपर आएगा, ये भुकने की पकड़ ऐसे जाएगी, और ये तीन उंगली हम रखेंगे, ये तीन उंगली रखेंगे तो क्या होगा, सा बजेगा सा। लेकिन क्या कैसे रखनी है उंगली, ये इस ढंग से मैं अभी आपको इम्प्रेशन दिखाता हूँ उंगलियों के ऊपर इम्प्रेशन कैसे आता है, देखिए। ये बीच में रखना है और ये छेद टॉप टिप में रखना है, बराबर। तो मैं अभी आपको ये तीन रख के कैसे सा बजाया जाता है बताऊँगा। ये हो गया सा, फिर एक उंगली उठाओ यहां से, फिर ये बजेगा रे, ये दोनों उंगली नीचे की उठाओ तो बजेगा ग, अब ये तीसरी उंगली में खासियत है, तीसरी उंगली आपको कितनी उठानी है, बिल्कुल हल्की सी, थोड़ी सी हल्की सी, बिल्कुल पूरी उठाओगे तो तीव्र म बजेगा, हल्की सी उठाओगे तो शुद्ध म बजेगा, शुद्ध मध्य। और प बजाना है तो आपको थोड़ी सी फूंक में प्रेशर देनी है, और तीनों ये उंगली और ये तीनों उंगली पूरे होल बराबरी से बंद करके कहीं से भी लीकेज नहीं हो ये ध्यान रखिए, और छह उंगली रख के आप जब बजाओगे हल्के से फूंकना है तो पंचम यानी कि प का आवाज आएगा। ये हुआ मंद्र सप्तक का प, लेकिन हमको क्या है मध्य सप्तक का प चाहिए, तो कैसे बजेगा, अब हम बजाएंगे ध, ध यानी धैवत, तो ये यहाँ एक उंगली उठानी है तो ध बजेगा, और एक उंगली उठाएंगे तो क्या बजेगा, नी बजेगा, और तीनों तीनों उंगली उठा के थोड़ा सा जोर से फूकना है, जो कि ये तीनों उंगलियों का थोड़ा सा हल्का सा जोर से फूकना है तभी वो सा तक बजेगा, अभी ये तीव्र सप्तक का सा बजेगा। अभी आपको मैं पूरे सारे गम पधनिशा सानिध पम करिशा आरोह और अवरोह बजा के दिखाऊंगा।